हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज के इस सेगमेंट में देखिए, उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट का जो अभी वर्तमान में काउंसलिंग चल रही, एक काउंसलिंग जो आपकी BBSC की हो चुकी है, उसके और जो अभी नॉन BBSC की जो अभी नई स्टार्टअप हुई है, उसकी सभी की जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे। तो इसके जो सेकेंड काउंसलिंग है UG PG PhD को हम अभी इंक्लूड नहीं करेंगे, UG और PG को बस इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो इसमें काउंसलिंग कब से होगी, तो इस वीडियो को पूरा व्याख्यान से देखिएगा और केयरफुली देखिएगा। आप लोग बार बार एक ही कमेंट्स करते हैं तो उसका रिप्लाई देने में हमें थोड़ा असमंजस में पड़ जाता हूँ, रिप्लाई दें या ना दें। फिर आप लोग कहते हैं आप मैसेज सेंड करके छोड़ देते हैं, तो इसमें आप को सभी चीजों का वीडियो अपलोडेड है, बस आप खोजना नहीं चाहते हैं। तो कृपया करके आप लोग एक बार YouTube में ओपन करके YouTube आप उसमें सर्च बार में जाइए और जो चीज आपको ना समझ में आए उसको आप यहां पर सर्च करके खोज लिया, ठीक है। समय आपका भी बच जाएगा, हमारा भी बच जाएगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे संस्था की तरफ से ICR GRF और UP कैटेट का MSCAG 2024 के लिए जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए, या फिर आप UG PG एग्रीकल्चर से हैं, एग्रीकल्चर के लिए हैं, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी पैटर्न पे आप तैयारी करना चाहते हैं, या आपके कोई छोटा भाई है उसको यदि तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप लोग जो नॉट क्वालिफाइड हैं तैयारी करने के इच्छुक हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लाइव रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, प्रिंटेड नोट्स मिलेगा, डाउट सेशन मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, और जो हमारी कोचिंग संस्थान है ये काकादेव कानपुर में है। एप्लीकेशन पर हमारी सारी क्लासेस चलेंगी, एप्लीकेशन का लोगो ये है, एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी का ये लोगो मिलेगा आपको, और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको पढ़ने के लिए अवसर मिलेगा। संपर्क करने के लिए आपको यहाँ पर दिया गया नंबर है, ऑनलाइन के लिए यहाँ पे संपर्क करिएगा, ऑफलाइन यदि कोचिंग करना है तो आप दिए गए दूसरे वाले नंबर पर संपर्क करिएगा, ठीक है। ये फीस जो है ऑनलाइन है, आप दो बार में जमा कर सकते हैं, यूजी का, पीजी का आपका 5000 रुपये है, तो आप दो बार में, आप ऑनलाइन वाले में दो बार में जा करके जमा कर सकते हैं 2500-2500 रुपये, ठीक है। पीजी का केवल 2500 रुपये है, सॉरी यूजी का केवल 2500 रुपये है और पीजी का आपका 5000 रुपये फीस है, ठीक है। तो चलिए इसको देखिएगा, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आइए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रस्तावित तिथियां, जो ऑनलाइन की प्रोसेस आपकी है वो कब से कब तक चलेगी, ठीक है। तो इसमें आइए पहले तो हम PhD को छोड़ देते हैं, PhD की जो बात करेंगे तो ये प्रथम काउंसलिंग का ही बस यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, सेकेंड काउंसलिंग का डाटा इनके पास अभी नहीं दिया हुआ है। सेकेंड काउंसलिंग का जो इनके PhD का जो डाटा आएगा वो अलग आएगा, एक अलग PDF बन के आएगी, एक नई डेट आएगी आपको दूसरा देखने के लिए। इसमें प्रथम वाले से भी हम काट देते हैं इसको, और इसमें भी आपको प्रथम वाले को हम काट देते हैं, ठीक है। मास्टर्स में भी आपका प्रथम वाले को काट देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए फीस जमा करना आपका 7 से 8 जुलाई है, BBSC के लिए 7 से 9 जुलाई के बीच में आप चॉइस लॉक कर सकते हैं। आपको 12 जुलाई को सीट घोषित हो जाएगी कौन सी आपकी सीट मिली है। 12 से 13 जुलाई में आपको डॉक्यूमेंट अपलोडिंग करना है, 13 में आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, 14 में दोबारा आपको 14 जुलाई में दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, 14 जुलाई को ही आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटी फीस जमा करना होगा 13 से 15 तारीख में, 13 से 15 में आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, फिर आप जाकर के यूनिवर्सिटी में 14 से 17 जुलाई में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और जो इसमें अपग्रेडेशन का एक वीडियो मैं अच्छे से तरीके से एक माइनर तरीके से बना दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, जब आपकी ये काउंसलिंग हो जाए तब, ठीक है। अब आइए सेकंड काउंसलिंग में, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सॉयल साइंस, मतलब एग्रीकल्चर के जितने भी अलाइड सब्जेक्ट हैं उसके जितने डिवीजन हैं उसकी बात करते हैं। ये तो वेटनरी का था BBSC का, अब 7 से 8 अगस्त में दूसरी इनकी काउंसलिंग की जो फीस जमा होगी 7 से 8 तारीख में होगी, ठीक है। 24 लाख आपको 7 से 9 के बीच में भर लेना है, फिर आपका सीट आवंटन आपको 17 अगस्त में हो जाएगा,
17 से 18 अगस्त में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन 19 में हो जाएगा, फिर 20 में दोबारा आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है 20 अगस्त को। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन 21 अगस्त को हो जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होने के बाद सिक्योरिटी फीस आपको 19 से 22 अगस्त में जमा करना है। 19 से 22 में आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है, फिर CSE NST में जाकर के आपको एडमिशन करा लेना है। ठीक है, इतना चीज। अब आइए आगे, 27 से 28 जुलाई में आपको यदि आपकी डेट बढ़ेगी तो वीडियो MSC वालों के लिए मिल जाएगी। ठीक है, 27 से 28 जुलाई में फीस कटाना है, 27 से 29 में 24 लाख भरना है, 5 अगस्त को सीट कंफर्म हो जाएगी आपको मिली है या नहीं मिली, 5 से 6 में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, 7 अगस्त को आपका क्लियर फाई हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, फिर दोबारा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है 8 अगस्त को, 9 अगस्त को आपको वेरीफाई हो जाएगा, 7 से 10 अगस्त के बीच में आपको सिक्योरिटी फीस जमा करना है, फिर 7 से 10 अगस्त में आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जमा करना है, मतलब डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको ये सारे काम जा करके यूनिवर्सिटी में 7 से 11 तारीख के बीच में करा लेना है हर हाल। ठीक है, एडमिशन आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। ठीक है, ऑल मास्टर सब्जेक्ट, सभी मास्टर सब्जेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, अभी PhD का सेकेंड काउंसलिंग का डेट नहीं आया, जब आएगा तो हम डेट आपको वीडियो के रूप में बना करके दे देंगे, या फिर आप टेलीग्राम पे हमारे जुड़े रहिएगा, वहां पर हम आपको कंफर्म करके बता देंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बस बाकी आपको किसी भी प्रकार से आपको समस्या हो रही है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर संपर्क करिएगा, इंस्टाग्राम ID है agree classes 573। ठीक है, और बाकी जो लोग पर्सनल आपकी काउंसलिंग कराना चाहते हैं, सेकंड काउंसलिंग के बाद आपकी कोई पर्सनल काउंसलिंग नहीं होगी, मतलब बस आपको संपर्क करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पर ही। ठीक है, कोई भी ना व्हाट्सएप पे कर पाएगा संपर्क, क्योंकि हमारी क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट हो जा रही हैं तो फिर सक्षम नहीं है आपके रिप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड का वीडियो आपको मैं, मतलब सेकंड का आपको बता दूंगा प्रोसेस, थर्ड के बाद आपका थर्ड फोर्थ आपकी ऑफलाइन होगी, आप खुद जा करके वहाँ काउंसलिंग कराना होगा। ठीक है, तो अभी ऑनलाइन में है, आपके पास चांस है, अगर काउंसलिंग कराना चाहते हैं पर्सनल तो आप यहाँ से हमसे संपर्क करके करा सकते हैं, अन्यथा आप लोग मतलब सीट के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। बाकी हमारी टीम पूर्णतः पूर्ण रूप से अपना पूरा योगदान दे रही है, बहुत बेहतरीन आप लोगों का सिलेक्शन में भी काम करेगी, और काउंसलिंग में तो आपका बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट आपने किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।